पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। शिवपुरी जिले के मगरोनी गांव में एक खेत की बागड़ में तेंदुआ मृत मिला है। तेंदुए को मारने के लिए क्लच वायर का फंदा लगाया गया था। रात में तेंदुआ इसमें फंस गया और तड़प तड़प कर बेमौत मारा भी गया। सुबह वनकर्मियों को जब इसकी जानकारी मिली तो तब तेंदुए का शव बरामद कर दो खेत मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में DFO का कहना है कि तार के फंदे में फंस कर तेंदुए की मौत हुई है। खेत की बागड़ में ऐसे 5 फंदे बनाकर लगाए गए थे, जिससे तय हुआ कि ये फंदे खेत मालिकों ने ही लगाए थे। इनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सर, ये जो एक तेंदुए का शव मिला था, ये कहाँ का मामला था और क्या मामला? ये तेंदुए का जो शव मिला, एक्चुअली सुबह हम लोगों को सूचना मिली लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में कि एक जानवर किसी के बागड़ में फंस गया है। तो उसके लिए हमने तुरंत अपना दल भेजा। दल ने जब वेरीफाई किया कि वो एक तेंदुआ है, तो चूंकि तेंदुए के पास में कोई जाने से डर रहा था, तो हम लोग रेस्क्यू दल के साथ पहुंचे। और उस समय जब तेंदुए के पास पहुंचे तो वेरीफाई किया तो तेंदुआ एक बागड़ में जो स्नेयर होता है, फंदा होता है, क्लच वायर से बना हुआ होता है, उसको बांध के उसकी कमर में फंसा हुआ था। जब उसको डॉक्टर ने परीक्षण किया तो उन डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो ये प्रथम दृष्टया जो होता है, ये शिकार का मामला है, क्योंकि कोई भी फंदे जो लगाए जाते हैं वो शिकार के उद्देश्य से लगाए जाते हैं और इसमें वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत शिकार का प्रकरण दर्ज हो गया। सर, कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ इसमें? दो लोग जिनके खेत में ये लगा हुआ था उनको ही प्राथमिक तौर पर अभियुक्त बनाया गया है। 5 फंदे और मिले हैं उनके यहाँ पे, जिसमें एक में जानवर फंसा हुआ था, 5 और लगे हुए थे, तो उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इस प्रकार से जो ये फंदे लगे होने की प्रक्रिया है, उससे ये स्पष्ट है कि जिसके खेत में अगर 5 फंदे लगे हैं तो उसका उद्देश्य क्लियर था कि वो किस लिए लगाए गए थे। चूँकि ये एक हिंसक प्रवृत्ति का जानवर था, इसलिए वो उस मामले को हैंडल नहीं कर पाए और सूचना दी गई। तो अभी उसकी जांच की जाकर फिर अब आगे भी जो इससे लोग जुड़े हुए होंगे उसका भी जांच करके ये सारी डिटेल निकाली जाएगी और उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर TV न्यूज। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।